नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक और आज मैं समस्तीपुर में और यहाँ के जनता से जानेंगे कि 2020 में वो किसके साथ हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। तो आइए जानते हैं जनता की राय। समस्तीपुर की जो जनता है वो 2020 में किसके साथ है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी। क्यों तेजस्वी यादव? क्यों? वैसे ही मिजाज लोग का बना हुआ है। तेजस्वी का प्लेटफॉर्म एक है और हम लोग भी एक ही प्लेटफॉर्म वाले हैं। मैं समझता हूँ कि तेजस्वी के साथ इसलिए कि पिछले चुनाव में जो गठबंधन हुआ था उसमें नीतीश जी और तेजस्वी जी और कांग्रेस तीनों का अलायंस था और यहाँ की जनता ने जो है इस अलायंस को वोट डाला था। उसके बावजूद जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ जाने का काम किया, नहीं कहीं ना कहीं जनता को ये बात लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार जी, हम लोग को अंधेरा घर को उजाला कर दिए, बत्ती दे करके, शौचालय दे करके और मतलब पानी दे करके, रास्ता दे करके। एक रास्ता छोटा गली का है जो हम लोग को उम्मीद है जो बन जाएगा इनकी सरकार में। 2020 में तेजस्वी की सरकार होगी और युवक है वो काम करेगा, समझा, नया काम के लायक भी है वो। नीतीश कुमार सठिया गया है, अब उससे काम होने वाला नहीं है। दर बदलू है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, वो काम नहीं कर सकता है। अब तेजस्वी यादव जो है फेवरेट है हम लोगों का और शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं और सपोर्टर है तो जीत भी उसी की उम्मीद करते हैं कि जीतेगा तेजस्वी यादव। अच्छा, नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार जो है ना वो दल बदलू है, वो चला गया बीजेपी में। उसका पुराना पेपर अभी भी मेरे पास कटिंग है। उसने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मिट्टी में नहीं मिला लेकिन बीजेपी के साथ चला गया था। ऐसा दल बदलू को वोट देना न देने के बराबर है। नोटा पे बटन टिप देंगे लेकिन बीजेपी को या नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। देंगे तो आरजेडी को, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को। तेजस्वी यादव के साथ है। क्यों तेजस्वी यादव के साथ? क्यों? इसलिए कि जनता ने नीतीश कुमार को सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया था और वो मान लिया कि सेकुलरिज्म छोड़ के कम्युनलिज्म की तरह गठबंधन किए। इस वजह के हम लोग जो है नया उसके साथ तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी की सरकार आएंगी और मेरी सरकार मांग पूरी होगी। नहीं, जो विधायक बनेंगे माननीय जो भी हो उनसे मेरी उम्मीद है कि वो नीतीश कुमार हम लोग को अच्छा काम। क्यों नीतीश कुमार आप लोग चाह रहे हैं? क्यों, वजह क्या है नीतीश कुमार के? अब बताइए, जो भला करेगा उसको तो लोग चाहेगा, समझिए ना। यही बात, लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार जब से आए तब से बिहार में विकास के काम नहीं हुई है। नहीं, बहुत काम हुआ है। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं? हाँ जी, आगे आएंगे तो और करेंगे। और करेंगे तेजस्वी यादव के साथ। क्यों तेजस्वी यादव? क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि को गिरा लिया। नीतीश कुमार ने, हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे, उन्होंने बहुत काम किया बिहार के लिए, लेकिन मतलब ये कि पार्टी चेंज करने की वजह से लोग उनसे खिलाफ हो गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ तो जनता होगी नहीं, क्योंकि हम लोग एक कारोबारी हैं और अपने बिहार के अंदर में जिस तरीके से बेरोजगारी है तो आदमी के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है रोजगार, जिससे दो पैसे की इनकम हो और घर चला सके। तो आज के डेट में जो बीजेपी सरकार की वजह से जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिनका जो बिजनेस नीचे गया है, उसके हिसाब से वो कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार बने और तेजस्वी के साथ इसलिए रहना चाहेंगे क्योंकि उसके आने के बाद जो शांति व्यवस्था है वो ठीक होगी और शांति व्यवस्था ठीक होगा तो बेरोजगार भी ठीक होगा। नीतीश कुमार की सरकार होगी। नीतीश कुमार? जी हाँ। अच्छा, क्यों नीतीश कुमार क्यों होंगे? बहुत अच्छे आदमी है, ग्रेजुएशन है, बिल्कुल एकदम सही है, सही काम किए हैं। कोई ऐसा बताइए कि 15-20 साल पहले क्या हुआ था, हम लोग अंधेरा में रहते थे, अभी लाइट है। तेजस्वी यादव का है। क्यों तेजस्वी यादव? इसलिए कि वो बच्चा है और बहुत होनहार है और नीतीश कुमार को तो देख रहा है लोग, क्या किए क्या नहीं किए वो सब उनके सामने है। अच्छा, अगर तेजस्वी की सरकार 2020 में बिहार में आती है तो उससे बिहार को क्या फायदा होगा? बहुत सफलता होगा। जो काम नीतीश कुमार ने नहीं किया है वो कर दिखाएगा वो। तेजस्वी यादव? क्यों तेजस्वी यादव? क्यों? ठीक है, अच्छे हैं, आगे चल के काम करेंगे। क्या लग रहा है, अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो बिहार में विकास का काम बढ़ेगा? जी हाँ, बढ़ेगा। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नहीं, उनसे नहीं हम लोग खुश हैं। तेजस्वी यादव? तेजस्वी क्यों? क्यों, युवक है अभी, वो काम करेगा, उसको काम करने का अलग है, अभी वो काम करेगा, विकास करेगा। हम लोग जितना युवा है उनको तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं बिहार में। तो आप चाहते हैं कि बिहार में इस बार जी फुल बहुमत से तेजस्वी आवेगा? युवक को अभी ललक है, युवा अभी जितना भी है वो कुल वोट करेगा उसको तेजस्वी यादव को। अभी सरकार तो होने जा रहा है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार? अच्छा, क्यों नीतीश कुमार होने जा रहे हैं? क्यों होने जा रहा है कि शांति तो मिल रहा है लेकिन जो शांति मिलना चाहिए वो शांति नहीं मिल रहा है।
तेजस्वी यादव के साथ है। क्यों तेजस्वी यादव क्यों? इसलिए कि नया चेहरा है, नया युवक है। अगर तेजस्वी की सरकार आती है 2020 में तो क्या लग रहा है, बिहार को विकास मिलेगा इससे? हाँ जरूर मिलेगा। आप लोग को क्या फायदा होगा उससे? फायदा सबको होगा, हमको क्या होगा, सारे आवाम को होगा। नीतीश जी भी किए हैं विकास, लेकिन अभी इधर 10 साल से 5 साल तो बहुत अच्छा किए, लेकिन 10 साल से पिछड़े हुए। तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। क्यों तेजस्वी यादव क्यों? इसलिए रहेंगे उनके राज्य में जब भी कोई ऐसा मामला होता था तो उन्होंने आकर के सुलझाते थे। तो देखा आपने, ये थे समस्तीपुर के लोगों की राय कि वो 2020 में किसके साथ है। हमारे चैनल को आगे देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।